हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी चार यूनिवर्सिटीज़ की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, जिसमें है CBLU, IGU मीरपुर रेवाड़ी, CRSU और CDLU। गाइस, इन चार यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको पता है कि फरवरी में होने वाले हैं। उनको लेकर आज तक की जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि भाई CBLU की अपडेट दीजिए, CDLU की दीजिए। सो गाइस, चारों यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट देने वाला हूँ, विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर CDLU की। सो गाइस, CDLU की यहाँ पर जो डेट शीट थी वो आपकी आ चुकी थी और 10 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन गाइस बीच में ही यहाँ पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने लग गए और यहाँ पर कैंपस में पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी गाइज़, जिसमें यहाँ पर कहा गया था कि स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिले और उन्होंने 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू करने की मांग की, साथ ही साथ एक दो मांगे उन्होंने और की। ठीक है, तो इसके ऊपर जो कंट्रोलर है गाइज़, उसने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि हम हैं वो 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर आपको डिसीजन दे देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए गाइज़, छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए एग्ज़ाम कंट्रोलर विद्यार्थियों के बीच पहुँचे। एग्ज़ाम कंट्रोलर ने कई देर विद्यार्थियों को समझाया, लेकिन विद्यार्थी परीक्षाओं में NE5 का विकल्प देने पर अड़े रहे। कंट्रोलर ने उन्हें समझाया कि वाइस चांसलर बाहर गए हुए हैं, VC के आने के बाद उनकी मांगे उनके सामने रख दी जाएगी। ठीक है, यानी कि गाइज यहाँ पर जो आपके VC हैं वो बाहर गए हुए हैं और उनके आते ही आपकी जो मांगे हैं वो VC के सामने रखी जाएंगी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर मंडे तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वो फिर से यहाँ पर जो है धरना वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज मंडे है, आज शाम तक या फिर कल जो है आपके लिए कन्फर्म अपडेट आ सकती है। ठीक है, सो गाइज़ वेट करते रहिए, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं है वो आपको यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिल सकती है, मे बी कोई ना कोई यहाँ पर जो आपकी मांग है वो ज़रूर मानी जा सकती है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी CDLU की बात। अब बात कर लेते हैं CBLU यानी कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की। सो गाइज़ इनका क्लियर कट है भाई, इनके जो एग्ज़ाम है इन्होंने कह दिया है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, 20 फरवरी को डेट शीट जारी कर देंगे, 25 के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो। ठीक है, यानी कि यार CBLU ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई प्रदर्शन वगैरह होता है या फिर कोई प्रोटेस्ट वगैरह होती है, उसके बाद कोई नई अपडेट आती है गाइज़, तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर CBLU मैनेजमेंट की तरफ से क्लियरली बोल दिया गया है कि 20-25 के आसपास यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं CRSU की। तो गाइज़ यहाँ पर CRSU की भी अपडेट यही आ रही है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद जो है फाइनली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है यानी कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है वो बैकफुट पर आ गया है। यानी कि कहीं ना कहीं उसने ये कह दिया है कि हम जो है आप सभी की मांगों के ऊपर 2-3 दिन के अंदर विचार करके 10 फरवरी से पहले पहले जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो गाइज़, तो कहीं ना कहीं आपकी भी मांगे हैं वो मानी जा सकती है। और जो भी यहाँ पर आपने पैटर्न, सिलेबस, जो भी एग्ज़ाम वगैरह की यहाँ पर मांगे उठाई हैं वो सारी की सारी मांगे लिख कर दे दी गई हैं, और 10 फरवरी से पहले पहले नोटिफिकेशन है वो आ सकता है और कहीं ना कहीं आपको भी रियायत मिल सकती है। तो ये बात हो गई CRSU की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं IGU मीरपुर रेवाड़ी की। तो गाइज़ IGU मीरपुर रेवाड़ी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर अपनी जो ऑफिशियल डेट शीट्स हैं वो जारी कर दी हैं सभी कोर्सेज़ की। ठीक है, यानी कि भाई इसने यहाँ पर डायरेक्ट बिना किसी प्रदर्शन वगैरह के जो है डायरेक्ट बोल दिया है कि हम जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी डेट शीट देख सकते हो गाइज़, 23 फरवरी के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट किए गए हैं और इनमें क्लियरली बोला गया है कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, नीचे गाइडलाइंस वगैरह सारी की सारी पढ़ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इनकी, यहाँ पर एक और अपडेट आ रही है, इनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो भी अब स्टार्ट कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो देने अब जाना पड़ सकता है कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, ऑफलाइन ही होंगे वो भी। तो गाइज़ आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके अपने प्रैक्टिकल डेट्स हैं उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ठीक है, मैं खुद IGU का स्टूडेंट हूँ गाइज़, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। मैंने तो अभी अपनी BSc कंप्लीट कर ली है IGU से। तो गाइज़ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, और कहीं ना कहीं आपको भी छोटी सी रियायत मिल सकती है। एक खबर निकल के आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ IGU वालों को। यहाँ पर जो ABVP है उसने मांग उठाई है कि यहाँ पर देखिए गाइज लाइन, विश्वविद्यालय में जो यहाँ पर अभी पेपर की डेट शीट जारी हुई है उसमें UG को पेपर पैटर्न में कोई भी 3% यानी कि NE3 और PG को NE4 का ऑप्शन मिले, तो यार ये तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पर MDU में ही NE5 की मांग हो रही है,
आपकी यहाँ पर डायरेक्ट NE3 या फिर NE4 की मांग उठाई गई है। गाइस अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर जो है मैनेजमेंट ने कह दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। और फाइनली मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ, एक कमेटी भी बनाई जाएगी अब, और उसके बाद इसके ऊपर जो है जल्दी ही नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा अगर ये मांगे मानी जाएंगी तो, ठीक है, वरना जो है वो आपके सामने है ही कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई अपडेट आएगी ये यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हो गाइज़, एक कमेटी बनाई गई है और उसके बाद यहाँ पर विचार किया जाएगा। तो गाइज़ ये थी बड़ी अपडेट्स चारों की चार यूनिवर्सिटीज़ की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई दिल से लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं, उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कर लिया। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।